रूस के खिलाफ बगावत करने वाले वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन समेत 10 लोगों की प्लेन क्रैश में मौत के बाद ढेरों सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो कई लोग वैगनर ग्रुप पर येवगेनी प्रिगोजिन की मौत का दिखावा करने का आरोप लगा रहे हैं और येवगेनी प्रिगोजिन के जानबूझकर कहीं गायब होने की बात तक कर रहे हैं। लेकिन रूस के पिछले 2 दशक के पन्ने पलटे तो जिसने भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बगावत की उसे बख्शा नहीं गया। दूसरी ओर वैगनर लड़ाकों ने साफ साफ कह दिया है कि उन्हें क्रेमलिन के अधिकारियों पर वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन और वरिष्ठ वैगनर कमांडर दिमित्री उत्किन की मौत की साजिश रचने का शक है। येवगेनी प्रिगोजिन की मौत के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उन्होंने कहा है कि मैं धोखा देने वालों को माफ नहीं करता हूं। बता दें, वैगनर ग्रुप के मुखिया प्रिगोजिन पहले राष्ट्रपति पुतिन के करीबी हुआ करते थे, लेकिन इसी साल जून में प्रिगोजिन के नेतृत्व में वैगनर ग्रुप ने राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ बगावत कर दी। पुतिन ने प्रिगोजिन के किए गए विद्रोह को देशद्रोह का करार दिया था और उन्हें बेलारूस भेज दिया था। अब वैगनर लड़ाके सीधे रूस पर येवगेनी प्रिगोजिन की मौत का षड्यंत्र रचने का आरोप लगा रहे हैं। इन लड़ाकों का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें मुंह पर काला कपड़ा बांधे ये लड़ाके रूसी सरकार को खुली धमकी दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जैसे ही प्रिगोजिन और उनके वरिष्ठ कमांडर दिमित्री उत्किन की मौत की पुष्टि हो जाती है तो वो रूस से इसका बदला जरूर लेंगे। हम मॉस्को में दूसरा मार्च ऑफ जस्टिस करेंगे। अब इस बारे में बहुत चर्चा हो रही है कि वैगनर ग्रुप क्या करेगा। हम आपको एक बात बता देते हैं कि हम शुरुआत कर रहे हैं और आप हमारे लिए तैयार हो जाइए।